एग्जिट पोल की माने तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन के तीन दलों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। विपक्षी दलों का मूड अपबीट है। अब हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत ने अपने सभी समर्थकों को सभी जिलों के काउंटिंग स्थल में प्रतिनियुक्त कर दिया है ताकि सील ईवीएम पर मुस्तैदी से नजर रखी जा सके। जिस तरह चुनाव के दौरान हेमंत ने ताबड़तोड़ 182 चुनावी सभाएं की, उससे हेमंत ने झारखंड की चौहद्दी नाप दी। उन्होंने राज्य के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया है। जोहार साथियों, 1 महीना 20 दिन की एक लंबी लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और इस राज्य की मतदाताओं ने इस महापर्व में अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित की और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता इस कड़ाके के ठंड में भी डटे रहे, इस लोकतंत्र के पर्व को और मजबूत करने में जो उन्होंने यहाँ भूमिका निभाई है अपने कार्यकर्ताओं को और इस राज्य के मतदाताओं को, मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद ने भी हेमंत की सभा में रघुवर दास सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। शहरों में मतगणना के पूर्व बैनर होर्डिंग्स भी लगा दिए गए हैं, यानी सत्ता के शिखर पर अब गठबंधन 5 साल बाद फिर से पहुंचने को बेताब दिख रही है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।